समीना, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो? अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। हमारी सारा बहुत समझदार है, उसने सोच समझ के ही इतना बड़ा फैसला किया होगा। अभी मैंने सारा की जिद के आगे हार मान तो ली है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आपने वो मोहल्ला देखा है ना, तो वहां जाने का सोच भी नहीं सकती। जाना तो पड़ेगा, बेटी का रिश्ता कर रही हो तो। प्लीज अब ये टेंशन अपने जहन से निकाल दो। तो देखो समीना, जोहेब की वजह से सारा ने पहले ही बहुत तकलीफ उठाई है। मैं तो खुद सारा को अपनी बहू बनाना चाहती थी, जोहेब की दुल्हन, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। अभी अगर हादिया इस घर में ना आती तो सब कुछ ठीक होता। इतनी चालाकी से उसने जुहेब को सारा से छीन लिया। खैर, जो होना था सो हो गया, उसे कोई नहीं बदल सकता। लेकिन समीना, तुम्हें आगे देखना होगा। हम सबके लिए सारा की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। अभी मैं भी तो यही चाहती हूँ। ना करूँ उमेर। उमेर अच्छा लड़का है, अब तो इतनी अच्छी जॉब लग गई उसकी, और फिर उसके वालदेन से मैं भी मिल चुकी हूँ, तुम भी मिल चुकी हो। सीधे साधे से लोग हैं, लो प्रोफाइल। मेरा तो ख्याल है सारा बहुत खुश रहेगी। हाँ बस कमी है तो सिर्फ एक चीज की, दौलत थी। समीना, वो तो तुम भी पूरी कर सकती हो। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ तो है तुम्हारे पास, और ये सब कुछ सारा का तो है। बस अब टेंशन छोड़ो और खुशी खुशी इस रिश्ते को अपनाओ। समीना,